देवास जिला कलेक्टर कार्यालय में सैकड़ों की तादाद में महिला और पुरुष पहुंचे और इन लोगों ने यहां पहुंचकर फैक्ट्री मैनेजर के खिलाफ ज्ञापन देते हुए अब महिलाओं ने कहा कि 12-12 घंटे तक हमसे काम कराया जाता है, इसके एवज में मात्र 190 रुपए के हिसाब से हमें वेतन दिया जाता है, किसी प्रकार की कोई छुट्टी नहीं मिलती है, जहां पर दीपावली, राखी, दशहरा, 15 अगस्त और 26 जनवरी तक की हमें छुट्टी नहीं दी जाती है। अगर कोई मजदूर 2 मिनट भी लेट आता है तो उसे गेट से ही भगा दिया जाता है। 10 से 15 वर्षों से यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिल रही है, ना ही इन्हें ओवर टाइम दिया जाता है, और अगर कोई मजदूर आवाज उठाता है तो उसे धमकी दी जाती है कि तुम्हें कंपनी से निकाल देंगे। ऐसा ही एक मजदूर का हाथ कट गया, लेकिन कंपनी ने उन्हें कोई सुविधा नहीं दी है और ना ही इलाज करवाया। श्रमिक दूर दराज से काम पर आते हैं, लेकिन किसी प्रकार की सुविधा नहीं दी जाती है। यहाँ पर सैलरी भी एक कच्ची स्लिप पर साइन करा कर सैलरी दी जाती है, और तो और पेमेंट स्लिप भी नहीं मिलती है। सैलरी भी 20 से 25 तारीख तक दी जाती है। इसी से प्रताड़ित होकर मजदूरों ने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा है। उनकी मांग है कि 8 घंटे बाद ओवर टाइम दिया जाए, और साथ ही में कोई त्यौहार जैसे दीपावली, रक्षाबंधन, होली, 26 जनवरी 15 अगस्त को छुट्टी दी जाए, हमें सरकारी रेट से सैलरी दी जाए। इन्हीं मांगों को लेकर महिला और पुरुष मजदूरों ने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंप कर आवेदन दिया है। आपका क्या नाम है? उषा। काय के लिए आए आप लोग? वो 12 घंटा ड्यूटी के लिए। अच्छा, आप भी कंपनी में? इसी कंपनी में? हम कंपनी में ही। क्या समस्या आपकी? हमारी ये कि 8 घंटा ड्यूटी करी जाए हमारी, 12 घंटे ड्यूटी हमारी, 10 साल हो गए मेरे को वहाँ करते करते। पेमेंट कितना देते हैं? पेमेंट मेरी ये 250 रुपये 12 घंटे की। 12 घंटे 250 रुपये? हाँ। सभी लेडीज़ 250 दे रहे हैं कि कम दे रहे हैं? कम ज़्यादा भी है ना, किसी का 190 है, किसी का 120 है, किसी का 150 रुपये, ऐसा है, कोई के 300, किसी को, हाँ ऐसा रेट है, मतलब वहाँ पे पुराने के हिसाब से। मेरे को तो 10 साल हो गए। आपका क्या कहना पड़ रहा है, मतलब क्या? हमारा ये कहना पड़ रहा है कि 8 घंटे ड्यूटी करी जाए, हमारे को ओवर टाइम का हमको पैसा मिला जाए, और हमारे को 4 संडे की छुट्टी मिली जाए। सरकारी छुट्टी का हमारा कोई पैसा नहीं है, सरकारी छुट्टी के दिन भी हमारे को ड्यूटी बुलाया जाता है। 15 अगस्त से 26 जनवरी? नहीं बुलाते हैं, पैसा नहीं देते, ड्यूटी बुलाते हैं। हमारे छुट्टी का पैसा नहीं मिलता, पैसा भी काट वहाँ पे। ये है मेरा माया धाकड़ है। कहाँ रहते हैं आप? जवानगर। आप भी इसमें कंपनी का आए? पहले कंपनी में थी, फिर सिक्योरिटी में हो गई मैं। क्या प्रॉब्लम आपकी? मेरी ये प्रॉब्लम है सर कि मैं मतलब बहुत दिनों से वहाँ काम कर रही थी, लॉकडाउन में मैं 3 महीना काम करी वहाँ पे, और वहाँ मतलब सभी लोगों को संभालना, आना जाना, कोरोना चल रहा था, उसके बावजूद भी मैंने काम करी, और मेरे को 8 घंटे का जगह मतलब 12 घंटे काम करवाते और बोलते 8 घंटे की साइन करो, और कभी कभी मेरे को 13 घंटे भी हो जाते सर वहाँ काम करने के लिए। मैंने पूरी ईमानदारी से और अच्छे से काम करी, पर वहाँ लेडीज़ लोगों को बहुत परेशान करते थे, टॉयलेट नहीं जान देते, 5 मिनट लेट हो जाए तो घर से बाहर जाओ, बेचारी कहाँ से आती, कहाँ से नहीं आती, परेशान होकर आती वो, और लेडीज़ लोगों को छुट्टी भी नहीं देते एक भी, और कोई परेशानी हो, बीमार दुखी हो तो उनको भी गेट के बाहर नहीं जाने देते थे, मतलब ज़्यादा शोषण चल रहा था वहाँ लेडीज़ों के प्रति, और मैंने इसके खिलाफ मैंने जो बात करी तो उन्होंने मेरे को बंद कर दिए, और मैं चाहती हूँ कि वापस मेरे को कंपनी में बुलाएं। कितनी लेडीज़ हैं वहाँ? 450 लेडीज़ों ने। सभी को 190 रुपये मिल रहे हैं? कोई के 160 है, कोई के 190 है, कोई के 220 है। ड्यूटी टाइम वो 12 घंटे? 12 घंटे है सर। ओवर टाइम नहीं देते हैं? नहीं, ओवर टाइम कुछ भी नहीं वहाँ पे। अधिकारी का क्या कहना है? वो उनका तो कहना यही है कि वो सर से बात करें। वो जेल लाइफ कंपनी साइंस ट्यूब बनता है वहाँ पे। मैनेजर का क्या नाम है? सुलभ जी बोरा। आप कहाँ रहते हैं? आप कहाँ रहते हैं? मैं जवानगर रहती हूँ सर। काय के लिए कलेक्टर ऑफिस में? क्या प्रॉब्लम आप लोगों की? सर, जेल लाइफ साइंसेस कंपनी अमोना में मेन रोड पे, वहाँ पर मजदूरों के साथ विगत 15 वर्षों से शोषण होता आ रहा है। लेडीज़ और जेंट्स से प्रॉपर इनसे 12-12 घंटे ड्यूटी कराई जा रही है, इनको वीकली आप कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। दूसरे बात, इनको नेशनल हॉलीडे के दिन भी इनसे काम करवाया जा रहा है 12-12 घंटे। दूसरे बात, इनका जो लीगल करता है वो लीगल शो भी नहीं हो रहा है, और इनके साथ बहुत शोषण हो रहा है। 5 मिनट अगर लेट हो जाते हैं 12 घंटे की ड्यूटी में तो उनको रिटर्न कर दिया जाता है। कौन सी कंपनी है ये? जील लाइफ साइंसेस। कहाँ पर है ये? ये अमोना मेन रोड पे ही, नाले के पास, रसूलपुर नाले के पास। कितना वर्कर है वहाँ पर? वहाँ पे करीबन 450 से 500 वर्कर है। क्या बनता है कंपनी? उसमें मेडिसिन के खाली ट्यूब बनते हैं। इसके बिल में शिकायत की थी आपने? शिकायत करने का, जैसा कोई अगर आवाज़ उठाता उस कंपनी में तो उसको इमीडिएट बाहर कर दिया जाता है। और मैं 8 वर्षों से उसका फील्ड का काम देख रहा हूँ। मैंने मजदूरों का, किसी का हाथ कट गया आनंद मालवीय का, एक लेडीज़ का हाथ कट गया, मैंने उनसे सर से यही रिक्वेस्ट करी, सुलभ वोरा जी से, कंपनी के मालिक से, कि सर इनका इलाज ट्रीटमेंट करवाया जाए,
और इनको थोड़ी बहुत कुछ फैसिलिटी दी जाए, तो वो बोलते हैं कि नहीं, बोले मजदूरों के पीछे जो भी आवाज़ उठाई हमेशा हमारा रिकॉर्ड है और तुमने उठाई आवाज़ तो तुम बाहर हो जाओ, तो मेरा खुद का गेट बंद कर दिया। श्रम अधिकारी को आपने कंप्लेंट करी? जी हाँ सर, मैं यातायात श्रम अधिकारी में की और बावड़िया थाने पे भी किए 43 लड़कों के साथ ले जाके। लेबर अधिकारी क्या बोले आप? लेबर अधिकारी ने उनसे रिपोर्ट मांगी तो जितने भी लड़के जब वापस ड्यूटी लिए गए तो उनसे बिना लिखा पढ़ी के और बिना पढ़ाए उनसे साइन करवाई गई है वहाँ पे। अब ये किस बात की साइन करवा रही है, उनको लड़कों को कुछ भी नहीं पता है, नौकरी का प्रेशर दे के। 12 घंटे कितना पेमेंट देते हैं आप लोग? 12 घंटे का लेडीज़ों को 190 से 220 तक देते हैं और जेंट्स को 300 रुपये दे रहे थे। अब जब ये 9 तारीख को रिपोर्ट डाली जब जाके 30 रुपये बढ़ा के इनको ऐसा मतलब बहला पुछला के इनसे साइन करवाई 8 घंटे पे। क्या नाम आपका? प्रहलाद सिंह पंवार, पिता बलवंत सिंह। वॉइस ऑफ फ्रेंड्स के लिए देवास से अशोक वर्मा की रिपोर्ट।